स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहत कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं बिहार राज्य के बक्सर जिले के कतकौली गांव में। बक्सर का नाम जैसे ही आपने सुना होगा तो आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ पन्ने आपके जहन में निकलने लगे होंगे और 1764 की वो घटना जिसको आप बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं आपके जहन में आने लगी होगी। बंगाल का शासन प्रशासन और प्लासी के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य प्रकंपी को युद्ध हुआ। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का जो सबसे निर्णायक युद्ध हुआ ये कतकौली के इसी गांव में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज हम भारत दर्शन के अंतर्गत आप सभी को भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इसी बक्सर के मैदान से पढ़ाएंगे। हम जहां पर खड़े हैं ये बक्सर का मैदान है, ये विजय स्मारक है हेक्टर मुनरो के द्वारा जो निर्णायक युद्ध जीता गया जिसमें वास्तव में ब्रिटिशर्स की जो योग्यता थी उस योग्यता का परिचय देखने को मिला और फाइनली अंततोगत्वा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल में आ फंसा। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के संयुक्त प्रयास को पूरी तरीके से विफल कर दिया गया मात्र कुछ हजार ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा। तो आज इस मैदान से, ऐतिहासिक मैदान से हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के एक एक विषय वस्तु को क्रम से पढ़ेंगे और साथ ही मैं आप सभी को बक्सर के उस निर्णायक युद्ध की छोटी सी छोटी कहानी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज जो है इस पूरे के पूरे युद्ध को आप अच्छे से समझेंगे। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा भारत दर्शन का व्यापक कार्यक्रम धरातीय स्तर पर आप सभी को एक विस्तृत और व्यापक जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार दे रहे हैं। इससे पहले विभिन्न एपिसोड आ चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह का एपिसोड अभी जस्ट आया है, आप सभी को देखना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन स्थली से, जन्म स्थली से हमने भारत के सभी राष्ट्रपतियों को पढ़ा। इससे पहले मैंने आप सभी को जिम कार्बेट नेशनल पार्क से सभी राष्ट्रीय उद्यान, इससे पहले गढ़वाल हिमालय, देवप्रयाग से भारत की सभी नदियों के बारे में चर्चा पर चर्चा, थार के मरुस्थल से हमने चर्चा की, इसके पहले हमने कालीबंगा से पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये भारत दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से इतिहास के सभी पन्नों को मैं जोड़ दूंगा। आने वाले समय में आपको एक एक बारीक से बारीक जानकारी भारत दर्शन के इस कार्यक्रम से मिलेगी। भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर के आपको इतिहास, भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं क्रमशः जानने को मिलेंगे। तो आज जो है इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास के उन पन्नों को हम खोजने जाएंगे जिन पन्नों पर आप सभी आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जिस तरीके से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर आधिपत्य जमाया गया और लगातार विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता भारत में अपने पैर जमाती चली गई और लगातार 200 वर्षों तक यहाँ पर राजनीतिक, प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, शोषणकारी जो नियंत्रण देखने को मिलता है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। एक एक डेडलाइन आपको बताऊंगा और क्रम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर किस तरीके से पहले यूरोपियों को पहले यहाँ पर जो विभिन्न यूरोपीय कंपनियां आई थी उनसे प्रतिस्पर्धा किया और इसके बाद जो भारतीय देशी रियासतें थी, विभिन्न शासक थे, चाहे वो मैसूर का राज्य रहा हो, चाहे मराठा साम्राज्य रहा हो, चाहे वो पंजाब में राजा रणजीत सिंह का साम्राज्य रहा हो, बंगाल में मुर्शिद कुली खां का साम्राज्य रहा हो, विशाल मुगल साम्राज्य रहा हो, चाहे वो आपका शहादत खां शुजाउद्दौला का साम्राज्य रहा हो, सबको कैसे नेस्तना नाबूद कर दिया। सहायक संधियों के बाद व्यवगत के सिद्धांत ने किस तरीके से चीजों को समाप्त कर दिया और 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेकर के 1947 तक कैसे ब्रिटिश परम सत्ता का विकास हुआ, कौन कौन सी नीतियां हुई। तो आने वाले कुछ ही आप मेरे साथ जब आप कुछ ही घंटों में एक व्यापक विषय वस्तु को कम समय में जान पाएंगे और जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हों, चाहे विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की हों, सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं। देखिए यहां पर एक टॉपिक है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैं आपको कालीकट से पढ़ाऊंगा। जब हम कालीकट से, जहां वास्को डी गामा का आगमन हुआ था, वहां से हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। हम समझे कि कैसे पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए, ये क्रम हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है हमारी चर्चा होगी कि कैसे अंग्रेज भारत में प्रभावी हो गए, कैसे अंग्रेज ही भारत के शासक बन गए, कैसे साम्राज्यवादी शक्ति के नियंता ब्रिटिश सरकार बन गई, इस हुकूमत को क्रम से समझेंगे। तो भारत दर्शन के सभी अंकों को
आराम से देखिए, एक एक चीज़ को समझिए। बक्सर के इस पूरे मैदान को मैं आप सभी को दिखाऊंगा भी। यहाँ पर ये स्मारक अभी बहुत पुराना नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये विजय स्मारक हेक्टर मुनरो के द्वारा जब यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ उसके उपलक्ष्य में बनाया गया। तो एक बार आप इस बैटल को देखेंगे। वर्तमान में मैं यदि कहूँ तो यहाँ पर ये बक्सर जिला है, यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ भी चल रही हैं, पास में ही बड़े स्तर पे जो है यहाँ पे जो है निर्माण कार्य सामग्रियों से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसके अलावा ये क्षेत्र आपका पूरी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को मिलेंगे। अब आगे जो है क्रम से मैं एक एक चीज़ आपको बताता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे, कंटिन्यूस करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। शुक्रिया। तो बिहार राज्य के बक्सर जिले के कतकौली गांव में हैं हम, और यहां से जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और किस तरीके से प्लासी और बक्सर जैसे दो साम्राज्य प्रकंपी दो लड़ाइयां हुई, और प्लासी तो एक वास्तविक युद्ध नहीं था लेकिन बक्सर एक निर्णायक युद्ध के तौर पर आया जिसने पूरी तरीके से मीर कासिम को ही नहीं समाप्त किया बल्कि मुगल साम्राज्य जो सबसे प्रभावी सत्ता होती थी उसको महज पेंशनर बना दिया गया, और जो अवध का नवाब था वो भी पूरी तरीके से पंगु बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्लासी के बाद जो बक्सर था सबसे निर्णायक युद्ध था, और इसके बाद ही अंग्रेज पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर भारत में सक्रिय हो जाते हैं और भारत का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ करते हैं। तो आज कतकौली गांव से, बक्सर के मैदान से, इस अंग्रेजों के विजय स्मारक से हम लोग एक डिटेल से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारत में कैसे रही और किस तरीके से इनकी नींव पड़ी कि इतनी मजबूती के साथ 200 साल तक ब्रिटिश सत्ता भारत का औपनिवेशिक शोषण करती रही, इसको क्रम से जानेंगे। आज बहुत सारी तिथियां आपके दिमाग में आएंगी, बक्सर की पूरी कहानी, इस पूरे युद्ध की चर्चा पर चर्चा भी मैं करूंगा। प्लासी को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, कारण यह है क्योंकि प्लासी को हम प्लासी के मैदान से ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज जो है बक्सर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मीर कासिम महज एक कठपुतली शासक बन के नहीं रहना चाहता था। जो मीर जाफर ने किया था गलती, उस गलती को मीर कासिम दोहराना नहीं चाहता था, और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि दोबारा अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफर को शासक बना दिया जाता है और मीर कासिम को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान से समझने का बक्सर के युद्ध में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार समझते हैं कि कैसे भारत में, जैसा कि मैं हमेशा आपको इतिहास की क्लासेस में बताता हूं कि भारत में बिन बुनाए मेहमानों की संख्या लगातार बनी रही है। कभी शुरुआत से ही प्राचीन भारत के इतिहास से ही कभी ईरानी आए, कभी यूनानी आए, फिर अरब आक्रमण हुए, उससे पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे हिंद यूनानी आक्रमण हुए, कुषाण आए, शक आए, पल्लव आए, ऊंड आए, फिर अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, अफगानियों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, अब अंततोगत्वा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से यूरोपियों का भी आक्रमण हुआ। आक्रमण कहें या महज व्यापारी के तौर पे आए, तरीका दूसरा था लेकिन उद्देश्य वही था, औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना। और मुझे लगता है कि इतिहास में जो इससे पहले जितने भी आक्रमण भारत में हुए उन सबसे ज़्यादा यदि कोई शोषक चरित्र का था वो ब्रिटिश साम्राज्य या यूरोपियों का आगमन ही था, क्योंकि इनका उद्देश्य पूरी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था या विश्व के जिन क्षेत्रों पर ये गए वहाँ को उनको आर्थिक तौर पर पंगु बना देना, वाणिज्यवादी नीति, बुलियनवादी नीति से प्रेरित तरीकों के माध्यम से पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को विनिष्ट कर देना, जिसका दुष्प्रभाव आज भी भारत झेल रहा है। तो हम बहुत डिटेल से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी तिथियां जो परीक्षाओं में सीधी पूछी जाती हैं आज आपको इस बक्सर के मैदान से समझने को मिलेंगी, और ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के हों, चाहे मुख्य परीक्षा के हों, या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के हों, आप कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, यानी कि वास्को डिगामा के आगमन से। मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम ये कोचीन से ही पढ़ेंगे। कालीकट में जब वास्को डिगामा का आगमन हुआ था वहाँ से हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि भारत में पहले से ही बहुत सारे शासक थे, मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो मुगल साम्राज्य का पूरा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मुगल साम्राज्य के ही बहुत सारे सूबेदार स्वतंत्र शासक बन बैठे, चाहे वो बंगाल का क्षेत्र हो, चाहे वो हैदराबाद का क्षेत्र हो, चाहे वो अवध का क्षेत्र हो, चाहे वो मैसूर वाले क्षेत्र में, तो हर जगह पे बहुत सारे नवीन राज्यों का उदय होना प्रारंभ हुआ। लेकिन इससे पहले जाते हैं, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन होता है, उससे पहले जाएंगे आप तो अकबर के शासनकाल, और अकबर के शासनकाल से पहले ही जब यहाँ पर सल्तनत काल चल रहा था तब वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था।
व्यापार करना, व्यापार वाणिज्य के माध्यम से बड़े स्तर का, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, वहां पे पुनर्जागरण काल आ चुका था, रिनेसा हो चुका था, तर्कवाद और मशीनीकरण का प्रसार हो चुका था। तो ऐसे में बाजार की जरूरत बहुत बड़े स्तर की थी और भारत में बाजार की खोज में यूरोपियों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं आपको यूरोपियों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद जो है डचों का आगमन हुआ भारत में 1602 एडी में, डचों के बाद जो है फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बारे में कुछ चीज़ें आज के सेशन में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अंग्रेजों के बाद जो है आपका डेनिस आए, डेनिस के बाद आपका फ्रांसीसी आए और फिर आपके स्विट्जरलैंड के निवासी आए। तो क्रम से चीज़ों को समझेंगे, ये क्रम है, ये सिक्वेंस पूछा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिस, डेनिस के बाद, डेनिस मतलब नीदरलैंड के जो निवासी हैं, ठीक है, डेनिस डेनमार्क के निवासी, नीदरलैंड जो है डच के निवासी हैं, डच जो है ये नीदरलैंड के निवासी हैं, हॉलैंड के निवासी हैं, डेनिस, डेनिस के बाद फिर आपका फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्विट्जरलैंड, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पूरा क्रम है, ये क्रम पूछा जाता है, इनके बारे में डिटेलिंग हम देखेंगे। आज सिर्फ यहाँ पे अंग्रेजों के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा आपको, ठीक है। जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है तो यूरोपियों के आगमन के पश्चात यहाँ पर एक त्रिकोण बन जाता है। मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो जिस तरीके से क्रिकेट में एक त्रिकोणीय श्रृंखला होती है, तीन टीमें आपस में लड़ती हैं, कुछ वैसा ही माहौल बना यहाँ पर। पहली टीम में अंग्रेज अकेले थे, दूसरी टीम में जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी वो थी, और तीसरी टीम में भारत के जो देसी रियासतें थी यहाँ पर स्थापित ब्रिटिश हुकूमत के अतिरिक्त जो यहाँ पर शासन प्रशासन चला रही रियासतें थी वो आती हैं। तो भारत की रियासतें, यूरोपीय कंपनियां और अंग्रेज, ये तीन प्रकार की, आप इन चीज़ों को समझेंगे तो बहुत आसानी से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को समझ पाएंगे। तो पहला जो अंग्रेजों का टारगेट होता है कि यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी में परिपूर्ण थे, इनके पास भी आधुनिक सेना आ चुकी थी, इनके पास भी एक प्रशिक्षित सेना थी, इन्हें भी वही सारे अनुभव थे और इन्होंने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्य, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र हो, चाहे वो अफ्रीका का क्षेत्र हो, या फिर ये जो आसियान कंट्रीज हैं, या फिर चाइना का बात हो, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने पहले से ही अधिकार आधिपत्य स्थापित कर रखे थे, वही समकक्षता थी इनकी। तो अंग्रेजों का पहला लक्ष्य था जितनी भी यूरोपीय कंपनियों हैं इनको यहां से किसी तरीके से कमजोर करना या बाहर करना। तो पहली प्रतिस्पर्धा आपस में ही करते हैं, और जैसे ही ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद ये देसी रियासतों तक पहुंच जाते हैं, देसी रियासतों के शासकों को भी धीरे 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 कमजोर करना प्रारंभ करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। सबसे पहले बहुत कम समय में मैं आपको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को बहुत आसान शब्दों में समझा देता हूं। तो प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का क्रम है, इसमें से आपको मैंने बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर स्वीडिश आए। तो पहला जो इनका काम था प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य की स्थापना में यूरोपीय कंपनियों को ही मार्ग से हटाना पहला इनका उद्देश्य था, और इस क्रम में इन्होंने आपस में ही युद्ध करने चालू कर दिए। सबसे बड़ा युद्ध हुआ ब्रिटिश और फ्रांसीसी, चूंकि सबसे ज्यादा यदि कोई टक्कर दे सकता था ब्रिटिशर्स को तो वो फ्रांसीसी कंपनी ही थी। तो डुप्ले जैसा एक, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के समकक्ष डुप्ले जैसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शासन प्रशासन में सबसे महती योगदान दिया है। तो ब्रिटिश व फ्रांसीसियों के बीच में तीन कर्नाटिक वार हुए हैं, तीन कर्नाटिक वार के माध्यम से फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से इन्होंने कमजोर कर दिया, और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, और वांडीवास के युद्ध में पूरी तरीके से फ्रांसीसी कंपनी कमजोर हो गई, पराजित हो गई, और भारत में इनका प्रभाव कुछ चंद क्षेत्रों में रहा जो आज़ादी के बाद में हम पुदुचेरी, चंदनगर या फिर ये क्षेत्र में इनको अभी भी हम पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीन कर्नाटिक युद्ध हुए, तीनों कर्नाटिक युद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखा जाए तो कर्नाटक, हैदराबाद, ये भारत के जो देसी रियासतें थी, हैदराबाद, कर्नाटक वाला क्षेत्र और मराठा, और इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों का जो आंतरिक हस्तक्षेप है राजनीति में उससे जुड़ा हुआ मामला था, या फिर विश्व में जहां पर भी फ्रांसीसी होते थे यदि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध होता था तो वो यहां पर सक्रिय हो जाते थे, युद्ध भी करते थे। तो पहला जो फ्रांसीसी युद्ध था, पहला कर्नाटिक वार था, ये 1746 से 1748 के बीच में हुआ, और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विषय में हुआ था, और इसके बाद जो है एक्सला सापेल की संधि हुई थी, उस संधि के बाद जो है फ्रांसीसी चूंकि इसमें विजय हुए थे, इसके बाद ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और इसमें डुप्ले की महत्वाकांक्षा, ठीक है, डुप्ले कौन था, ये सब क्या था, जब हम फ्रांसीसियों को डिटेल से पढ़ेंगे वहां पर मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा।
इसके बाद दूसरा जो कर्नाटिक वार होता है, आंग्ल कर्नाटिक वार होता है, वो 1749 से लेकर 1754 में होता है। महज एक साल बाद ही दूसरा कर्नाटिक वार प्रारंभ हो जाता है। इसमें हैदराबाद तथा कर्नाटक का जो आंतरिक मामला है उसमें हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें अंग्रेजी प्रभुत्व बढ़ता है। पांडिचेरी की संधि होती है 1754 में और इस मामले में कर्नाटक और हैदराबाद के विवाद में आंतरिक तौर पर ये दोनों कंपनियां प्रवेश कर जाती हैं। तीसरा जो कर्नाटिक वार है वो 1758 में से लेकर 1763 में होता है और ये पूरा का पूरा ब्रिटेन में सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। जैसे ही ब्रिटेन में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य, उसके बाद फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है और फ्रांसीसी जो एक बड़े प्रतिस्पर्धी थे भारत में अंग्रेजों के, इनका पूर्णतया सफाया हो जाता है और यहाँ पर पेरिस की संधि 1763 में होती है। उसके बाद जो है फ्रांसीसी सत्ता का बहुत ज़्यादा प्रभाव भारतीय उपक्षेत्र में नहीं रहता है। ठीक, तो पहले फ्रांसीसियों को इन्होंने हटा दिया। दूसरे नंबर पर डच आते हैं। बेदरा का युद्ध होता है। कब होता है बेदरा का युद्ध? 1759 में होता है। इसमें डच पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और भारत में जो शक्ति होती है डचों की पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और देखा जाए तो डच जो हैं इंडोनेशियाई द्वीपों में ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो यहाँ से पहले फ्रांसीसियों को बहिष्कृत करते हैं, फिर डचों को बाहर करते हैं और इसके बाद भारतीय राज्यों के साथ पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों का प्रभाव वैसे भी भारत में ज़्यादा नहीं था। पुर्तगाली जो है वो आसियान कंट्री यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे या दक्षिणी अमेरिकी राज्यों पे ज़्यादा प्रभाव रख रहे थे, पुर्तगाल, स्पेन, ये जितने भी कंट्रियाँ हैं, तो या फिर अफ्रीकन क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव। तो यहाँ पर मेन जो पावर थी फ्रांसीसी और डचों, इनको पूरी तरीके से अंग्रेज समाप्त करने के बाद भारतीय राज्यों के साथ दो दो हाथ करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला मौका जो है 23 जून 1757 को मिलता है, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी का युद्ध एक बड़ा षड्यंत्र था। कहते हैं कि जो यहाँ का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके ही जो सेनापति थे उनके द्वारा एक बड़े स्तर का विश्वासघात किया गया। सेनापतियों के बारे में आपको पता होगा, जो बाद में शासक बनता है मीर जाफर और दूसरा है मोहनलाल, है ना। पहले आपको पता होगा कि फ्रांसीसी जो होते हैं वो सिराजुद्दौला का सहयोग करते हैं, क्योंकि वांडीवास के पहले की घटना है, 1757 की घटना है ना, 23 जून 1757 की घटना है। और देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पर बड़ी चतुराई के साथ मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया जाता है और जब मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है तो ये युद्ध मात्र एक दिखावा था, पूरी तरीके से अंग्रेजों के पाले में पूरी बाल जा चुकी थी। और ऐसे में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके प्लासी के युद्ध को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1769 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेदरा का युद्ध होता है, डच हट जाते हैं। इसके बाद जो है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध त्रिकोणीय युद्ध था, जिसमें अवध का नवाब सुजाउद्दौला, है ना, इसके बाद जो आपका मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय और जो काशिम है, अभी इसको हम बक्सर के युद्ध को लास्ट में बहुत डिटेल से करेंगे, एक एक चीज आपको बताऊंगा क्या क्या बात थी, क्या क्या घटनाक्रम था। तो ये तीन लोगों का त्रिगुट बन करके अंग्रेजों के साथ लड़ता है, मात्र 2000 सैनिक, प्रशिक्षित सैनिक, जिनके द्वारा लाखों की संख्या के सैनिकों को पराजित कर दिया जाता है और पूरी तरीके से इलाहाबाद की दो संधियों के माध्यम से मुगल सम्राट को पेंशनर बना दिया जाता है। और इसके बाद 1777 में कासिम की मृत्यु हो जाती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि से अवध के नवाब के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। तो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, पहली होती है 12 अगस्त को और दूसरी होती है 16 अगस्त को। इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, पहली संधि मुगल सम्राट से, दूसरी संधि सुजाउद्दौला से, जो कि अवध का नवाब होता है। ध्यान से समझिएगा, सब पूछा जाता है, मैं इनको डिटेल से भी अभी आपको बताऊंगा। 1772 को नवाब के पद के समाप्ति कर दी जाती है और जैसा कि आपको पता है 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी प्रत्यक्ष नियंत्रण होना कंपनी के ऊपर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो 1772 को द्वैध शासन, 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया जाता है और इसको एक लूट का काल कहते हैं, बड़े स्तर की लूट होती है। 1757 के प्लासी के बाद से ही जब मीर जाफर गद्दी पर बैठता है तो अंग्रेजों के द्वारा उसको एक तरीके से लोभ और लालच, जो उनकी लोभ की पराकाष्ठा है, वो चरम स्थिति पे होती है और बंगाल को बड़े स्तर पर लूटा जाता है। बड़े स्तर पर जब जब लालच को पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक शासन सत्ता को परिवर्तित कर दिया जाता है। जब मीर जाफर अंग्रेजों की लालसाओं को
पूर्ण नहीं कर पा रहा था तब उसकी जगह मीर कासिम आता है। जब मीर कासिम उन लालसाओं को पूर्ण नहीं करता तो फिर मीर जाफर आता है, और जब मीर जाफर उसकी लालसाओं को पूर्ण नहीं करता तो फिर अन्य शासकों को लगातार 1772 तक लाया जाता है और नवाब के पद को पूरी तरीके से समाप्त करके पूरा नियंत्रण, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, अंग्रेजों के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है। तो यहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन होता है। 1772 में ही नवाब के पद को, बंगाल के नवाब के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर देने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो बंगाल का रीजन पूरी तरीके से ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। अब ब्रिटिश नियंत्रण में बंगाल का क्षेत्र आने के बाद इस बंगाल को नहीं खोने का डर हमेशा कि बंगाल, चूंकि इस समय बड़ी शक्तियां थी, अब ये नया नया साम्राज्य था, भारत में मराठाओं का उदय हो चुका था, मैसूर में टीपू सुल्तान जैसा एक, हैदर अली टीपू सुल्तान जैसे एक ऐसे वीर शासक थे, तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि शासन को प्रोटेक्ट किया जाए। और आप देखेंगे तो 1772 से लेकर 1798 तक ये पूरी अवधि है, इसको हम घेरे की नीति कहते हैं। घेरे की नीति का मतलब है कि विजित क्षेत्र, जितना क्षेत्र अंग्रेज जीत रहे हैं, इन क्षेत्रों को वो क्या करें, मजबूती प्रदान करें। और मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया, बफर स्टेट की स्थापना की। बफर स्टेट यानी आसपास उन्होंने कुछ क्षेत्रों के साथ संधियां स्थापित की और बंगाल की घेराबंदी कर दी ताकि बंगाल किसी भी कीमत पे ना खोया जाए। बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था, बंगाल एक तटीय समुद्री मार्ग था जिसमें अंग्रेजों को बहुत सारी चीज़ें थी, चाहे वो चीन के साथ व्यापार रहा हो, आसियान के साथ व्यापार रहा हो, या फिर अपनी नेवी को किसी तरीके से सशक्त या दक्षिणी भारत में नियंत्रण स्थापित करने की चीज़ रही हो, विभिन्न चीज़ों में लगातार सहायक बनता रहा बंगाल। तो सबसे पहले बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद, चाहे प्लासी और बक्सर के बाद, अंग्रेजों की सबसे बड़ी नीति थी घेरे की नीति। घेरे के नीति के बाद दूसरी नीति आती है उनकी 1798 से लेकर 1813 तक। इस दौरान जो है वो विभिन्न सहायक संधियों के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों को क्या करते हैं, जीतना प्रारंभ करते हैं। और जीतने के तहत जो है बहुत सारे तरीके होते हैं, सहायक संधि प्रणाली में आपको बताऊंगा। इसके बाद 1813 से लेकर के 1848 तक, यहाँ तक कि 48 में आपका लाल डलहौजी आता है, या कहें तो 1857 तक अंग्रेज विस्तारवादी नीति अपनाते हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों पर विस्तार करना चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो विस्तारवादी नीति भी इनको देखने की पड़ती है, जिसमें विलय की नीति भी इसमें देखते हैं, विभिन्न राज्यों का विलय किया जाता है और एक मजबूत ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली जाती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश परम सत्ता का विकास, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया जाता है, और 1947 तक ब्रिटिश परम सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो नीतियां हैं, ये नीतियों के माध्यम से भारत को प्रोटेक्ट किया जाता है, भारत को जीता जाता है। अंग्रेजों के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि भारत को, जितने भी औपनिवेशिक इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि भारत को उन्होंने बेखबरी के दौर में जीत लिया। ये बेखबरी नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी। प्लानिंग में आपको एक एक करके जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे। सबसे पहली प्लानिंग, जब बंगाल विजय हुआ तो बंगाल को प्रोटेक्ट करने के लिए 1772 से लेकर के 1798 तक घेरे की नीति का अनुपालन किया गया, और इसके तहत विविध विजित क्षेत्रों को जीता गया, बंगाल की घेराबंदी की गई, बफर स्टेट के तौर पे अवध से संधि की गई, इलाहाबाद की संधि की गई, बिहार उड़ीसा और बंगाल की दीवानी का राइट जो है वो अंग्रेजों को मिल गया। ऐसे विभिन्न तरीके के अधिकार लेकर के बंगाल को प्रोटेक्ट रखा गया। और इसके बाद जो है वेलेस्ली, जो 1758 में आता है एक महत्वाकांक्षी लॉर्ड गवर्नर जनरल के तौर पे, बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे आता है, तो वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली लाई जाती है, और सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से भारत के शासक, जितने भी शासक थे भारत के, सभी शासकों पर कंपनी के प्रतिनिधियों को, कंपनी के एजेंटों को उनके यहाँ पर बैठा दिया जाता है। सेना जो होती है उस सेना को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, और अन्य राज्यों के मध्य जो है ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता को स्वीकृति दिलाई जाती है। तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश शासन को नियंत्रित कराने का काम जो है वेलेस्ली के द्वारा कराया जाता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न राज्य सहायक संधि प्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं। पहला राज्य आपका हैदराबाद बनता है, दूसरा राज्य मैसूर बनता है, युद्ध के माध्यम से हो चाहे स्वेच्छा से हो, मैसूर को युद्ध के माध्यम से सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करनी पड़ी। तो हर एक माध्यम को चुनते हैं और पूरे दबाव के साथ, पूरी दबिश के साथ इस कार्य को करते हैं। तो मैसूर से 4 युद्ध किए गए थे, 4 युद्धों में से अंतिम युद्ध जब आपका हुआ, जिसमें हैदर अली दूसरे युद्ध में समाप्त हो जाता है, तीसरे युद्ध में
टीपू सुल्तान को कमजोर किया जाता है और चौथे युद्ध में पूरी तरीके से टीपू सुल्तान को भी खत्म कर दिया जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो मराठा साम्राज्य से भी, इस समय मराठा साम्राज्य भी था, उससे भी दो युद्ध किए गए और दो युद्धों के माध्यम से मराठा साम्राज्य को भी सहायक संधि प्रणाली में ले आया जाता है। 1813 के बाद जो है इनकी विस्तारवादी नीति प्रारंभ होती है और विभिन्न क्षेत्रों पर जैसे भी संभव हो हर तरीके से युद्धों की शुरुआत की जाती है, विस्तार प्रारंभ किया जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 1818 तक में, सगौली की संधि 1815 में होती है और इसके बाद जो है आंग्ल नेपाल युद्ध में सगौली की संधि होती है, नेपाल के एक क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है 1817 से 1818 में, जिसमें पेशवा भोसले होलकर पराजित हो जाते हैं, पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है, सभी क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर लिया जाता है, सतारा को छोड़ दिया जाता है, सतारा को एक नए राज्य के तौर पर बनाया जाता है जिसको फिर डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत के तहत विलय करता है। इसके बाद मैसूर का अधिग्रहण कर लिया जाता है, कुर्ग का अधिग्रहण कर लिया जाता है, दार्जिलिंग का अधिग्रहण कर लिया जाता है, कछार क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है, जयंतिया क्षेत्र का जो नॉर्थ ईस्ट का है उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है, सिंध क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से मैसूर का पूर्णता अधिग्रहण 1831 में किया जाता है, कुर्ग क्षेत्र का अधिग्रहण जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में है 1834 में किया जाता है, 1835 में दार्जिलिंग क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है, 1834 में कछार क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है। ये सारे बेंटिंग के द्वारा किए जाते हैं। सिंध क्षेत्र को भी 1843 में अधिग्रहण कर दिया जाता है लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड पे। तो इस तरीके से बड़े स्तर पर विस्तारवादी नीति प्रारंभ होती है और तत्पश्चात एक ऐसा शासक आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सबसे महत्वाकांक्षी शासक था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत की नीति लाई गई और व्यपगत की नीति के तहत उसने विभिन्न तरीके अपनाए। गोद ले गोद निषेध हड़प नीति को व्यपगत के तहत उसने, जो उत्तराधिकार का नियम था जिसके तहत यदि किसी शासक का जैविक पुत्र नहीं होता उसने गोद लिया होता तो गोद निषेध की नीति का पालन किया। उसने कुशासन का आधार लगा करके भी व्यपगत किया या फिर उसने युद्ध का सहारा लिया। ये इनकेन प्रकारेण हर तरीके से उसने क्या किया, क्षेत्रों को कैप्चर करना प्रारंभ किया, जिसमें से राज्यों को सबसे पहले उसने, जो उसकी गोद हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत था उसके तहत उसने तीन भागों में राज्यों को डिवाइड किया। पहले श्रेणी में ऐसे राज्य जो परम सत्ता के अधीन कभी नहीं रहे, ब्रिटिश परम सत्ता के या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कभी नहीं रहे, ऐसे राज्यों की श्रेणी में जैसे मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, त्रावणकोर साम्राज्य, ये ब्रिटिश सत्ता के कभी अधीन नहीं रहे, पहली श्रेणी है, इनको किसी भी तरीके से हड़पा नहीं जाएगा, ठीक। दूसरा, जो परम सत्ता के अधीन रहे हों जैसे कि सिंधिया, भोसले, होलकर, इन सब ने सहायक संधि प्रणाली क्या किया था, स्वीकार कर लिया था, तो ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो चुके थे। तीसरे तरीके में एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई जिनका निर्माण अंग्रेजों ने स्वयं किया, ब्रिटिश ने स्वयं किया, जैसे सतारा या फिर छोटा मैसूर, इन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने खुद बनाया। तो जो तीसरी श्रेणी थी जिनका निर्माण, जिन राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने स्वयं किया था, इनको पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरी श्रेणी को गोत निषेध के अधिकार में रखा गया, यानी कि यदि किसी शासक का जैविक पुत्र नहीं है तो उसे ब्रिटिश हुकूमत से ये जो है उनकी अनुमति के आधार पे ही कि उनका क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगा या फिर ये वो क्षेत्र स्वतंत्र बना रहेगा, यानी कि जैविक पुत्र नहीं होने पर, दत्तक पुत्र होने पर उस क्षेत्र को हड़पा भी जा सकता है, ब्रिटिश अनुमति से ही वो साम्राज्य जिंदा रह सकता है। तो हड़प नीति या गोद निषेध नीति या फिर व्यपगत के सिद्धांत को दूसरी श्रेणी पर लागू किया। तो तीसरी श्रेणी के राज्यों को तो उन्होंने स्वयं ले लिया क्योंकि उनका निर्माण उन्होंने स्वयं किया था, दूसरी श्रेणी के राज्यों को अनुमति लेनी पड़ती थी, आज्ञा लेनी पड़ती थी, और पहली श्रेणी राज्यों को बाद में आगे चल के वो युद्ध के माध्यम से उन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं। युद्ध के माध्यम से डलहौजी ने पंजाब को विलय कर लिया। आंग्ल पंजाब युद्ध हुए, एक युद्ध आपका 1848-49 में हुआ, पंजाब का विलय कर लिया गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ 1852 में हुआ, पेगू प्रदेश को ग्रहण कर लिया गया, कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया 1856 में, और गोद निषेध के अंतर्गत 1848 में सबसे पहले सतारा को, इसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बागहत को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को। झांसी के बारे में आप सब जानते हैं, झांसी में जो है आपको पता होगा कि गंगाधर राव थे और उनका दत्तक पुत्र होने के बाद फिर किस तरीके से 1857 की क्रांति में जो जो है वहाँ पर
जिस तरीके से फिर लक्ष्मीबाई के द्वारा जिस तरीके से उस पूरे जो है क्षेत्र में जो युद्ध किया जाता है, जिस तरीके से उस क्षेत्र को लिया जाता है, ठीक है, 1854 में नागपुर वाले क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो इस तरीके से जो है विलय की नीति के माध्यम से बड़े स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य को, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता कहते हैं। यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में वेलेस्ली ने जो काम अधूरा छोड़ा था, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में वो पूरा कर दिया, एक विस्तार, एक व्यापक ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण किया। और कहते हैं कि इसी असंतोष के कारण 1857 की क्रांति भी हुई थी। तत्पश्चात 1858 में जब ब्रिटिश हुकूमत यानी कि कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, राजनीतिक और व्यापारिक नियंत्रण छोड़कर पूरा राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के बाद आता है, तो 1858 से लेकर भारत की आज़ादी तक ब्रिटिश परम सत्ता यानी ब्रिटिश परम सत्ता ब्रिटिश क्राउन को ही सर्वोपरि बना करके भारत में शासन प्रशासन लगभग 100 वर्षों तक किया जाता है। तो यहाँ पर 1857 का विद्रोह होता है, 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। कैनिंग ने आगरा और लाहौर क्षेत्र में राज दरबारों का आयोजन किया और ब्रिटिश परम सत्ता की घोषणा की। 1876 में आपको पता है शाही अधिनियम लाया जाता है और राजकीय उपाधि अधिनियम के तहत ब्रिटेन की रानी को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि दे दी जाती है। 1877 में लिटन ने पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया और इस उपाधि की घोषणा भी की। 1903 में फिर से दिल्ली दरबार बुलाया जाता है, दूसरा दिल्ली दरबार होता है और इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम को किंग्स इंस्पेक्टर यानी कि यहाँ का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार और यहाँ पर सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और इनको भारत का जो सम्राट है घोषित कर दिया जाता है। तो लगातार दिल्ली दरबारों का आयोजन ये पूरे ब्रिटिश परम सत्ता के टाइम पीरियड पे होता है। इसी समय बहुत सारे भारत शासन अधिनियम लाए जाते हैं और बहुत सारे चार्टर एक्ट लाए, जो पहले चार्टर एक्ट थे भारत शासन अधिनियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार, उससे पहले 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार और 1977 में पहला दिल्ली दरबार, ये लगातार आयोजन होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, फिर इसके बाद आपको पता है कि भारत में महात्मा गांधी के आगमन के बाद एक व्यापक बड़े स्तर का आंदोलन चलता है और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही जो है भारत में भारत की आज़ादी की बयार और भारत के संविधान निर्माण को लेकर लगातार मांग होती है। अंततोगत्वा 1947 से पहले आपको पता है 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की योजना, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लाया जाता है और इसके बाद 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद कर दिया जाता है एक लंबी और व्यापक लड़ाई के माध्यम से। तो 1947 तक ब्रिटिश परम सत्ता बनी रहती है भारत में और लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को आज़ाद कर दिया जाता है 15 अगस्त को। तो ये पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में स्थापना को लेकर के उनकी समाप्ति तक का पूरा समयावधि था। अब बात करेंगे हम कंप्लीट बक्सर की। हम बक्सर को एक बार डिटेल से समझेंगे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, किस तरीके से युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, किस तरीके से इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में सबसे प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में योगदान किया, किस तरीके से मुगल सम्राट पेंशनर बन के रह गया, किस तरीके से अवध के नवाब ने जो गलतियां की, कासिम ने जो गलतियां की, मीर जाफर ने जो गलतियां की, सबसे बड़ी गलती तो देखो अपनों ने की। यदि मीर जाफर दगा ना करता तो बड़ा मुश्किल था कि जो मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल की शासन सत्ता को स्थापित किया गया था, शायद सिराजुद्दौला ये हारता नहीं। तो कहीं ना कहीं पे अपने लोगों ने ही दगा किया और उसका ही परिणाम था कि 200 वर्षों की गुलामी भारत को झेलनी पड़ी। तो चलिए एक बार जो है हम चीज़ों को एक बार देखेंगे जहां पर हम खड़े हैं और इसके बाद मैं आपको बक्सर के युद्ध को क्रम से एक एक करके समझाता जाऊंगा, आप लोग इसे समझते जाएंगे। बिहार राज्य के बक्सर जिले के कतकौली से आज हम बक्सर के युद्ध को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। कतकौली से आज हम जो ये बक्सर की लड़ाई थी जिसने भारत की रूपरेखा बदल दी, भारत के भविष्य को बदल दिया, 200 साल की गुलामी हमें इसी बक्सर के मैदान से मिली, आज इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मीर कासिम एक ऐसा शासक था जो अंग्रेज़ों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। जिस तरीके से मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में एक बड़े स्तर की गद्दारी की और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं पे ये लगने लगा कि शायद वो भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि उनकी लालसा और उनकी महत्वाकांक्षा ने मीर कासिम को भी बक्सर के युद्ध में पूर्णतः पराजित कर दिया।
तो आज जो है बक्सर के युद्ध को क्रम से समझेंगे। थोड़ा सा यदि सोचिए कि बक्सर के युद्ध में यदि अंग्रेज पराजित हुए होते तो हम 200 साल की गुलामी से बच जाते। समझिए, एक बहुत छोटी प्रशिक्षित सेना ने एक बड़े स्तर की मुगल सम्राट की सेना को, मुगल सम्राट के वजीर की सेना को, शुजाउद्दौला की अवध के नवाब की सेना को और मीर कासिम की सेना को, संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे ये वो ऐतिहासिक मैदान है जहां पर वो घटना घटी थी। तो आज जो है हम इसको क्रम से समझना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो आपका प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध मूल तौर पर समझिए कि अंग्रेजों की लालसाओं का युद्ध है। अंग्रेजों ने जिस तरीके से व्यापार कार्य करना यहाँ पे प्रारंभ किया था और उनका मूल उद्देश्य यहाँ पर भारत में आर्थिक शोषण का था, उनका जो चरित्र था कि भारत को किसी तरीके से बड़े स्तर की लूट कसोट करनी है, कंपनी के जो अधिकारी थे पूरी तरीके से भारतीयों को समाप्त करना चाहते थे, भारतीयों को पूरी तरीके से वो ये चाहते थे कि यहाँ पे राजनीतिक नियंत्रण यदि उनका स्थापित हो जाएगा तो व्यापार करना आसान हो जाएगा। देखिए बैटल ऑफ बक्सर के वैसे ये जो पूरा गांव है, ये पूरा आप गांव, अब तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, यही वो मैदान था जहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। तो यहाँ पर एक विजय स्मारक बना है जिसके आसपास आप लोग घूमेंगे, मैं आपको बक्सर के मैदान से बक्सर की कहानी सुनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पे जो सिराजुद्दौला था, जो प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में जिस तरीके से मीर जाफर के द्वारा उसके साथ षड्यंत्र किया गया, रॉबर्ट क्लाइव ने जिस चतुराई के साथ षड्यंत्र पूर्वक जो है पूरे प्लासी के युद्ध को जीता, तो बक्सर का युद्ध जो है प्लासी के युद्ध से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। प्लासी का युद्ध तो अंग्रेजों का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र था, उनकी कायरता थी, उनका कुचक्र था, कूटनीति था, उनकी वीरता और साहस का प्रतीक नहीं था, लेकिन बक्सर के युद्ध उनकी वीरता और साहस का प्रतीक था। बक्सर का युद्ध भीषण संग्राम था क्योंकि दोनों पक्षों के सैनिक और अधिकारियों ने रण क्षेत्र पर एक सामने सामने का युद्ध किया और इसमें अंग्रेजों को उनकी सैनिक श्रेष्ठता, उनका दृढ़ संकल्प, कठोर अनुशासन, इन सब चीज़ों से उनको युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, चूँकि जैसा कि आपको पता है कि बंगाल में प्रभुत्व की लड़ाई थी, बक्सर के युद्ध भी बंगाल की प्रभुत्व की लड़ाई का ही प्रमुख जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्रमुख कारण रहा। तो अंग्रेजों ने जो है, जब मीर जाफर अंग्रेजों की लालसाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो अंग्रेजों की लालसाओं की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण से उसके दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने मोहरा बनाया और मीर कासिम से कहा कि यदि हम तुम्हें शासक बना देंगे तो ऐसी स्थिति में तुम हमें जो है इतना धन दौलत, इतना क्षेत्र, ये सारे वचन हमें पूरा करेंगे। तो अंग्रेजों के समझौतों के अनुसार मीर कासिम शासक बनता है, मीर जाफर जो है पदच्युत हो जाता है 1760 में। 1757 में जैसा कि आपको पता है प्लासी के बाद मीर जाफर आता है, वो अंग्रेजों की लालसाओं को पूरा करता है और उसके बाद उसका दामाद मीर कासिम आता है। मीर जाफर भी परेशान हो चुका होता है इन चीज़ों से और मीर जाफर जो है अंतोगत्वा अपने दामाद के पक्ष में उस कुर्सी को, उस गद्दी को छोड़ देता है और अंग्रेजों को धन और जितना भी उसने वादा किया वो लगातार उसने पूरा किया। मीर कासिम ने ऐसा नहीं कि अंग्रेजों की वादा खिलाफी की, जो समझौता हुआ था उस समझौते के तहत लगातार उनको धन दिया, बहुत सारे जिले दिए, बहुत सारे ऋण को भी चुकाया, सेना को भी उसके वेतन दिया, आर्थिक सुधारों की स्थिति को भी सुदृढ़ किया, लेकिन वो एक स्वतंत्र शासक ही बन के रहना चाहता था, वो अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था और ऐसे में अंग्रेज शक्तिशाली नवाब को सहन नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगने लगा था कि ये एक आश्रित नवाब न रह करके स्वतंत्र चरित्र को दिखाना चाहता है। तो ऐसे में उन्होंने, अंग्रेजों ने बंगाल की शक्ति को अपने हाथों में रखने के लिए मीर कासिम को धीरे धीरे जो है मीर कासिम के साथ एक रणनीति और कुचक्र रचना चालू किया और फिर से मीर जाफर को फिर से शासक बनने के लिए उन्होंने वापस जो है, तो आपको जैसा कि पता होगा कि संरक्षण नीति का त्याग कर दिया गया, कंपनी का आपको जैसा कि पता होगा कि कई बार क्या होता था, जो ब्रिटिश कंपनी है उसके द्वारा कलकत्ता जो नवाब होता था, कलकत्ता का नवाब होता था, उस नवाब के जो दोषी अधिकारी होते थे कई बार जो है कंपनी उनको शरण देती थी, है ना, और कंपनी के जो है इस तरीके से नवाब के कई कार्यों में कंपनी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर चुकी थी। इसके अलावा इसी दौरान जो है एक अधिकारी आया था जिसका नाम था एलिस, है ना, तो एलिस नामक अधिकारी पटना में अंग्रेजी व्यापारी कोठी का अध्यक्ष बन के आया था और मीर कासिम की बढ़ती हुई शक्ति और नीति का विरोधी था
और उसके व्यापारी जो व्यापारिक क्षेत्र होते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा मनमानी करते थे। ऐसे में नवाब के अधिकारी उनको रोकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक तनाव की स्थिति उससे भी बनती लगातार चली गई। और जैसा कि आपको पता होगा कि मुग़ल सम्राट फर्रुख सियर के द्वारा जो है अंग्रेज़ कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा दी गई थी, और कंपनी के कर्मचारियों ने निजी लाभ के लिए सुविधा का दुरुपयोग करना भी प्रारंभ किया था, और बंगाल में अपने व्यापारिक माल पर वो कर नहीं देते थे। बंगाल में जहाँ पर भी वो व्यापार करते थे वहाँ पर किसी प्रकार का भी वो कर नहीं देते थे। भारतीय व्यापारियों की अपेक्षा अपने माल को सस्ता बेचते थे। ब्रिटिश अधिकारी दस्तक का प्रयोग, इसको दस्तक बोलते थे, और इसका प्रयोग जो है वो इसका दुरुपयोग भी करते थे, भारतीयों को दस्तक बेच देते थे, और भारतीय व्यापारियों से घूस लेकर के दस्तक प्रथा के आधार पर उनके माल की भी चुंगी को मुक्त करा लेते थे। मतलब जो टैक्स शासक को मिलना चाहिए वो टैक्स वो स्वयं ले लेते थे भारतीय व्यापारियों से, थोड़ा सा कम उन्हें पड़ता था तो भारतीय व्यापारी भी इसके सहभागी बन जाते थे। तो नवाब को करों से बड़े स्तर की हानि होती थी, और ऐसे में प्रशासन में दुर्बलता आ गई, बहुत ज़्यादा राजस्व बचा नहीं। लगातार जो है अंग्रेज़ों को भी बहुत सारा राजस्व, धन दौलत, बहुत सारी जो लगातार समझौते में चीज़ें थी वो भी शासक को करना पड़ता था। ऐसे में जो है मीर कासिम जो है उनके व्यापारिक मार्ग लगातार जो है मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को समझाया भी कि वो इस तरीके की प्रथा का दुरुपयोग ना करें, लेकिन जब तक अंग्रेज़ लगातार इस सुविधा को, इस चीज़ को लगातार समझने को तैयार ही नहीं थे, ऐसे में मीर कासिम के द्वारा पूरी तरीके से दस्तक प्रणाली को या चुंगी या टैक्स सिस्टम को ही समाप्त कर दिया गया। और जब इसको समाप्त किया गया, चुंगी हटा दी गई, तो ऐसे में भारतीय व्यापारी और अंग्रेज़ दोनों व्यापारिक माल एक ही स्तर के आ गए, और अंग्रेज़ों का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर लिया गया। अंग्रेज़ इससे अत्यंत रुष्ट हुए। कलकत्ता की काउंसिल से नवाब से भारतीयों को पुनः व्यापारिक कर लगाने की मांग की गई। कर मुक्ति से अंग्रेज़ों को जो क्षति हुई उसे पूरा करने के लिए कहा गया, किंतु नवाब ने अंग्रेज़ों की मांग को ठुकरा दिया। ऐसे में अंग्रेज़ और नवाब के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई। तो दस्तक का दुरुपयोग एक ये भी बहुत बड़ा कारण था, और ऐसे में अंग्रेज़ों को लग गया कि अब मीर कासिम उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया। मीर जाफर से गुप्त संधि की गई, और उसके अनुसार उसे फिर से नवाब बनाने की, मीर जाफर को फिर से नवाब बना देने को लेकर के बातचीत होने लगी, और मीर जाफर से यह भी कहा गया कि यदि उसे नवाब बना दिया जाता है तो उसे मुक्त आंतरिक व्यापार करने की सुविधा देनी होगी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों को जो भी युद्ध में क्षतिपूर्ति होगी उस क्षतिपूर्ति का भी हर्जाना देना होगा। और ऐसे में आपको शायद पता हो कि अब बड़े स्तर की जो है यहाँ पर दुराभिसंधि की जाती है। बक्सर से पहले ही मीर कासिम के खिलाफ एक युद्ध होता है जिसको पटना में कहते हैं, कि जो एलिस नामक अधिकारी था, एलिस नामक अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वो जो है मुंगेर, चूंकि राजधानी परिवर्तन कर चुका था, तो राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर उसने परिवर्तित कर ली थी, तो मुंगेर में आक्रमण करने की पूरी तैयारी बनाई जाती है। और जब मुंगेर पर आक्रमण कराने की तैयारी बनाई जाती है तो उस अवधि का, उस पूरी घटना का पता चल जाता है मीर कासिम को, और पटना वाले क्षेत्र पर वो एलिस को रोक लेता है। छह नावों पर बड़े स्तर की युद्ध सामग्री लेकर के आई जाती है, और उस युद्ध सामग्री को जो है मीर कासिम के द्वारा उसको जब्त कर लिया जाता है, और पूरी तरीके से अंग्रेज़ों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। तो ऐसे में भी अंग्रेज़ों को ये लगता है कि अब मीर कासिम नियंत्रण से बाहर जा रहा है, और इसके बाद फिर अंग्रेजी सेना के द्वारा फिर से अगेन जो है बड़े स्तर पर मीर कासिम के ऊपर युद्ध किया जाता है, बड़े स्तर का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और कंपनी ने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। अंग्रेजी सेना को मीर कासिम के विरुद्ध भेजा जाता है। कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, उदयनाला के युद्ध होते हैं। देखिए, चार युद्ध होते हैं, कटवा में एक युद्ध होता है, मुर्शिदाबाद में युद्ध होता है, गिरिया में युद्ध होता है, उदयनाला में युद्ध होता है। यहाँ पर मीर कासिम के सैनिकों के द्वारा फिर उस पर विश्वासघात किया जाता है, और इस विश्वासघात के कारण से मीर कासिम फिर से परास्त हो जाता है। उसकी राजधानी मुंगेर पर अधिकार कर लिया जाता है, और मीर कासिम पटना की ओर भाग जाता है, और अंग्रेज़ों के इस षड्यंत्र से वो बहुत दुखी होता है। और ऐसे में मीर कासिम इतना क्रोधित हो जाता है कि वो अंग्रेज़ों, पटना में अंग्रेज़ों के लिए ये घोषणा करता है कि यदि अंग्रेज़ सेना युद्ध नहीं बंद करेगी तो वह किसी भी तरीके से वो इसके अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से समाप्त करने की घोषणा करना प्रारंभ करता है। तो मीर कासिम, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि पटना वाले क्षेत्र में एलिस को पराजित करता है, और पराजित करके 200 अंग्रेज़ अधिकारियों को कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है। तो शायद आपको मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दूँ कि जब उसके साथ लगातार विश्वासघात होना चालू होता है, उसके सैनिकों को भी अपने पक्ष में मिला लिया जाता है, तो ऐसे में मीर कासिम के द्वारा बोला जाता है कि वो
उन सभी अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त कर देगा यदि युद्ध नहीं बंद किया गया जिनको उसने कैद कर रखा है। तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों के द्वारा पुनः युद्ध को समाप्त नहीं किया जाता और उसे परेशान करने की कोशिश की जाती है तो पटना में वो 200 अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त कर देता है। 200 अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त कर देता है और ये 200 अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त करने के बाद वो इलाहाबाद भाग जाता है। वहीं पर उसे मुगल सम्राट का वजीर जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था उससे उसकी मुलाकात होती है। मुगल सम्राट जो था वो भी इसी समय बिहार में था, शाह आलम द्वितीय। तीनों का त्रिगुट बनता है और त्रिगुट जो है जा करके एक जो 22 अक्टूबर 1964 को एक बड़ी लड़ाई होती है बक्सर के इसी मैदान पे। इस मैदान पे त्रिगुट पूरी तरीके से हार जाता है। हेक्टर मुनरो यहाँ पर विजयी होता है और उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि ब्रिटिश कंपनी जो है पूरी तरीके से अपनी योग्यता पर, अपनी सेना की योग्यता पर यहाँ पर जो है भारत में उसने, उसके सपने बढ़ जाते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाती है। तो 22 अक्टूबर को एक भीषण युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। शाह आलम जो है, जो मुगल सम्राट है, इलाहाबाद की संधि होती है, दो संधियां होती हैं। पहली 1765 को होती है, दूसरी जो है 16 अगस्त 1965 को होती है। पहली संधि जो है वो अवध के वो मुगल सम्राट और अंग्रेज़ों के बीच में होती है और जो उस समय नजमुद्दौला जो है आपका जो बंगाल का नवाब था उसके साथ होती है। और दूसरी संधि जो होती है इलाहाबाद की संधि, ये अवध के नवाब के साथ होती है 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, कई बार मैं 1900 बोल जाता हूँ, ये 1700 है, ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध 1700 में, 1764 में हुआ और 1765 में इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई। पहले हुई मुगल सम्राट के साथ और दूसरी संधि आपकी होती है अवध के नवाब के साथ। अब एक बार मैं आपको इलाहाबाद की दोनों संधियों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पहली संधि आपकी होती है 12 अगस्त 1965 को। पहली संधि में ये क्लाइव के साथ थी, उस समय जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। मुगल सम्राट, क्योंकि क्लाइव दो बार गवर्नर बना है, दोबारा वापस आता है, ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, तीन लोगों के मध्य संपन्न होती है इस संधि में। कंपनी को शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिया जाता है और साथ ही कंपनी ने मुगल सम्राट को पेंशनर बना दिया जाता है। मुगल सम्राट 26 लाख रुपए जो है वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ से मुगल सम्राट पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, इलाहाबाद की पहली संधि। और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है 16 अगस्त को होती है। यह संधि क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य, जो अवध नवाब था उसके मध्य संपन्न होती है और इसके तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके अवध का जितना भी हिस्सा था सब नजमुद्दौला को सौंप दिया जाता है। यानी कि नजमुद्दौला जो था बंगाल का, मीर जाफर के बाद बंगाल का शासक बनता है। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाती है। कहते हैं यहां पर एक तरीके से सहायक संधि प्रणाली जैसी व्यवस्था है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी को अवध में कर मुक्त कर दिया जाता है, मतलब अवध वाले क्षेत्र में कंपनी कोई भी व्यापारिक कार्य करेगी उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले पूरी तरीके से लगान वसूल करने का जो अधिकार था उसमें भी, चूंकि बलवंत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जो बनारस का नवाब था उसने अंग्रेजों की सहायता की थी इस युद्ध में, तो उसको भी टैक्स से फ्री कर दिया जाता है। यानी कि बनारस के नवाब से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा अवध के नवाब के द्वारा। तो इस तरीके से इलाहाबाद की दोनों संधियाँ होती हैं और बक्सर का युद्ध पूरी तरीके से देखा जाए तो बक्सर में द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है। बंगाल में द्वैध शासन डायार्की की स्थापना हो जाती है 1765 से लेकर 1772 में। यहाँ पर जो है इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है इसमें बंगाल में, जैसे कि आपको पता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो आपकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का राइट है ये आपको जो है अंग्रेज़ों को मिल जाता है। तो जो प्रशासनिक कार्य किया जाता है, प्रशासनिक कार्य जो है बंगाल के नवाब नजमुद्दौला द्वारा किया जाता है और जो राजस्व उगाही का काम किया जाता है ये कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से बंगाल में लूट का शासन प्रारंभ होता है, बड़े स्तर की लूट की जाती है कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा। और इसके बाद जो है बड़े उपहार लेने की प्रथा और बड़े स्तर का भारत से जो धन है यहाँ पर जाना प्रारंभ होता है। इसके बाद 1772 में
नवाब का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। और इसके पहले मैंने आपको किस तरीके से कंपनी के द्वारा घेरे की नीति के बाद सहायक संधि की नीति जो है, फिर विस्तारवादी नीति, विलयवादी नीति और ब्रिटिश परम सत्ता की नीति, इन नीतियों का अनुपालन करते हुए ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये था बक्सर का पूरा युद्ध, जिसमें कासिम जो मीर कासिम था, मीर जाफर का दामान था, इसके अलावा अवध का नवाब शजाउद्दौला और इसके बाद जो आपका मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना पूर्णतया इसी मैदान पर पराजित होती है और पराजित होने के बाद पूरी तरीके से दोनों की शासन सत्ता अप्रभावी हो जाती है और यहीं से ब्रिटिश सत्ता भारत की भाग्य नियंता बन जाती है और भारत का औपनिवेशिक शोषण करना प्रारंभ करती है। तो इस तरीके से भारत दर्शन के इस एपिसोड में हमने भारत में ब्रिटिश सत्ता, औपनिवेशिक सत्ता, कैसे भारत इस जंजीरों से जकड़ गया, कैसे गुलामी की जंजीरों से सकड़ गया, कैसे भारत जो है साम्राज्यवादी शक्ति और औपनिवेशिक शक्तियों का गुलाम बन गया, इसके बारे में हमने समझा कि अंग्रेज़ों की क्या नीतियाँ थीं और कैसे बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक साबित हुआ। तो इस अंक में हमने बक्सर के मैदान से बक्सर की युद्ध के साथ साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, इस विषय के बारे में डिटेल से जाना। निश्चित तौर पे आपका ज्ञान बढ़ा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें इस व्यवहारिक धरातल से समझी होंगी। ये आपका एक स्मारक है, जब कभी भी आप आइए तो कथकौली गाँव पर, यहाँ पर आएंगे आप तो यहीं पर ही आपको जो है ये बक्सर वाला, बक्सर ज़िले में ही है, यहीं पर ये स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो कोई संरक्षण नहीं है राज्य सरकार का, ना तो किसी तरीके का, बस ये बनाया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं है और स्थिति यहाँ पे बयां, लेकिन फिर भी आप आइएगा, बैटल ऑफ बक्सर को देख करके जाइएगा, ये कोई प्रेरणा लेने की वैसे जगह नहीं है। इसके अलावा मैं आप सभी को आने वाले समय में पानीपत के मैदान से जो साम्राज्य प्रकंपी तीन लड़ाइयाँ हुई हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, इन तीनों युद्धों को समझेंगे। तराइन का जो है युद्ध जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी युद्ध हुए हैं बड़े बड़े, इन सभी युद्धों को जिन मैदानों से हुए हैं इनको समझेंगे। प्लासी के मैदान से हम प्लासी के युद्ध को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके से आप सभी भारत दर्शन के इन सभी एपिसोड को देखिए, सब तक पहुंचाइए और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस बृहद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए और बड़े स्तर की तैयारी करते रहिए और भारत दर्शन एपिसोड को लगातार देखते रहिए। मिलते हैं अगले अंक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।